एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं लेकर आया हूं एक और वीडियो, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऑल न्यू टाटा सफारी के बारे में। दोस्तों एज इन ग्रेविटास लॉन्च की जानी थी, बट अब इसको लॉन्च किया जा रहा है टाटा सफारी की बेजिंग के साथ में। उस बेजिंग को कितना जस्टिफाई कर पाती है ये गाड़ी, उसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। बट सबसे पहले बात करने वाले इस गाड़ी के फ्रंट डिजाइन की। फ्रंट से देखकर आपको नहीं लगने वाला कि कुछ अलग किया गया है। टाटा हैरियर के अंदर जो डिजाइन आता था सेम वही आपको मिलने वाला है। हालांकि इसकी जो ग्रिल है इसमें माइनर से आपको चेंज नजर आने वाला है, क्रोम लगाया गया है। सेम आपको हेडलाइट्स मिलने वाली है, सेम आपको DRLs मिलने वाली है जो साइड टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करती हैं। उसके अलावा नीचे आपको फॉग लाइट्स मिलने वाली है। ट्रिपल टोन का आपको मिलने वाला है फ्रंट बम्पर, बॉडी कलर के साथ में ब्लैक और ये सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलने वाली है। और फ्रंट डिजाइन काफी मस्कुलर रखा गया, बट इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलने वाले। बात करें साइड डिजाइन की, तो साइड से देखकर लगने वाला है कि आप एक अलग गाड़ी देख रहे हैं। हैरियर के मुकाबले इसकी लेंथ में इंक्रीज किया गया है, हाइट में भी थोड़ा सा आपको बदलाव नजर आने वाला है। कारण है कि काफी बड़ी आपको रूफ रेल्स मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर, जो इंटीग्रेट हो जाती है इसके क्वार्टर पैनल के अंदर। सफारी की बेजिंग आपको मिलने वाली है, क्रोम लगाया गया है ऊपर रूफ रेल्स के अंदर भी। साइड में काफी जगह आपको क्रोम नजर आने वाला है, विंडो लाइन के ऊपर क्रोम लगाया गया है, डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम लगाया गया है और 18 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। टॉप टू ट्रिम्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स। बेस जो 3 ट्रिम्स है उसके अंदर आपको मिलेंगे 16 इंच के स्टील व्हील्स। दोस्तों साइड डिजाइन देखकर आपको नहीं लगने वाला कि ये हैरियर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि काफी मैच्योर सा डिजाइन दिया गया है इस गाड़ी का। और इसको देखने के बाद अगर आप हैरियर देखेंगे साइड से, तो आपको लगेगा कि हैरियर का साइड डिजाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा है। साइड डिजाइन इस गाड़ी के एक्सटीरियर का सबसे अच्छा पार्ट है, जो काफी प्रोपोर्शनेट भी नजर आता है और काफी बड़ा आपको विंडो ग्लास एरिया भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर आपको मिली है 3 रोज, उनकी बात हम करेंगे इंटीरियर पार्ट के अंदर। पहले बात कर लेते हैं रियर डिजाइन के अंदर क्या चेंज किया गया है। तो दोस्तों पीछे आपको काफी स्टाइलिश दिखने वाली टेल लाइट्स मिलने वाली है, कनेक्ट करती है दोनों तरफ एक पियानो ब्लैक फिनिश की स्ट्रिप के साथ में। उसके ऊपर टाटा का लोगो आपको मिलने वाला है। जो टेल लाइट का डिजाइन है ये आपको हैरियर के मुकाबले थोड़ा सा अलग मिलने वाला है अंदर से। हालांकि बाहर की जो साइज है वो बिल्कुल बराबर रखी गई है, बट अंदर इसमें काफी स्टाइलिश से आपको एलिमेंट्स दिखाई देने वाले हैं। LED लाइट्स लगाई गई हैं, पीछे आपको कोई और डिफरेंस नजर नहीं आने वाला। पार्किंग सेंसर्स, कैमरा लगाया गया गाड़ी के अंदर और सफारी की बेजिंग आपको मिलने वाली इसके बूट के ऊपर। बात करें बूट स्पेस कैसा ऑफर करती है ये गाड़ी, तो यहाँ पे आपको निराशा होने वाली है। अगर आप ऑल 7 सीट्स के साथ में बूट स्पेस को यूज करने वाले हैं, तो आपके पास एक लैप बैग रखने की स्पेस भी आपको नहीं मिलेगा इसके बूट के अंदर। अगर आप लैपटॉप बैग रखेंगे आप कोशिश करेंगे बट नहीं रख पाएंगे आप बैग को आराम से, और रख भी देते हैं तो खोलते ही गिर भी जाएगा। तो बूट स्पेस आपको नहीं मिलने वाला बिल्कुल। हालांकि अगर आप यूज नहीं है 7 सीट्स का या 6 सीट्स का, तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं आराम से, जो बिल्कुल नीचे तक चली जाती हैं। सीट्स को फोल्ड करने के बाद लगभग इसमें 450 लीटर्स के आसपास का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब शुरुआत करते हैं क्या मिलता है ड्राइवर सीट के ऊपर इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर आपको काफी प्रीमियम मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। बेज कलर की आपको सीट्स मिलने वाली है, लाइट व्हाइट बोल सकते हैं आप, क्रीमिश कलर दिया गया है सीट्स का। ब्लैक कलर का डैशबोर्ड लगाया गया है और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया डैशबोर्ड के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर। ये वुडन फिनिशिंग दी गई डार्क, यहां पे आपको मिलने वाली मेटालिक सिल्वर कलर की एक स्ट्रिप और व्हाइट कलर का आपको मिलने वाला ग्लो बॉक्स। नीचे वाला पार्ट उसको व्हाइट रखा गया है, ऊपर ब्लैक रखा गया है। काफी बड़ा आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है, टच स्क्रीन के साथ में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो लगाया गया है। 9 स्पीकर्स मिलने वाले हैं, 4 ट्वीटर्स हैं, 4 स्पीकर्स हैं और एक सबवूफर है एम्पलीफायर के साथ में, और ये JBL के हैं, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। उसके अलावा लेदर रैपिंग की गई स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। दोस्तों क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स, फोन कंट्रोल्स, काफी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके अंदर। ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, वहीं पे आपको मिलने वाली काफी बड़ी सनरूफ। पैनोरमिक सनरूफ आपको मिलने वाली है हैरियर की तरह ही सफारी के अंदर भी। तो काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। उसके अलावा सेमी डिजिटल स्पीडो कंसोल मिलने वाला है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई स्पीडो के अंदर लगभग 7 इंचज के आसपास की, और एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है। वहीं पे पुश स्टार्ट बटन, एडवांस कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं, और स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, इको मोड दिया गया है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड।
City drive mode activated. Sport drive mode activated. वहीं पे ट्रैक्शन मोड्स हैं, मड, सैंड और जो सिटी मोड्स हैं वो लगाए गए हैं. यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम फंक्शन भी दिया गया है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है. उसके अलावा इसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में. छोटी सी आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है इसके अंदर, आप की या फोन रख सकते हैं. 3 कप होल्डर्स दिए गए हैं सेंटर के अंदर. उसके अलावा एक USB कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है. मोबाइल वायरलेस का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर. यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, डोर ट्रिम्स के ऊपर भी लगाया गया है. ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम आपको इंटीरियर मिलने वाला है टाटा की सफारी का. और वहीं बात करें स्पेस कैसा ऑफर करती है टाटा की न्यू सफारी, तो काफ़ी अच्छा लेगरूम आपको मिल जाता है, हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बावजूद इसके कि काफ़ी बड़ी सनरूफ लगाई गई है. 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है ड्राइवर सीट पर, को ड्राइवर मैनुअली ही करनी होगी. और ड्राइवर सीट के ऊपर आपको लंबर सपोर्ट भी मिला है आपकी राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए. उसके अलावा इसमें बोश मोड दिया गया है, सीट को आराम से रिकल सकते हैं पीछे से ही अगर आपको लेगरूम बढ़ाना हो तो, बट इसमें आपको लंबर सपोर्ट नहीं मिलने वाला. ओवरऑल जो डिज़ाइन दिया गया है इसके डैशबोर्ड का जो इंटीग्रेट होता है साइड ट्रिम्स के अंदर तक डोर के अंदर, काफ़ी प्रीमियम फील देता है, काफ़ी एक लग्जूरियस फील देता है. दोस्तों फिट एंड फिनिश इस गाड़ी के इंटीरियर के मामले में काफ़ी अच्छी है. बात करते हैं पीछे कैसे स्पेस ऑफर करती है ये गाड़ी. अभी फ्रंट सीट को एडजस्ट किया गया मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली और थाई स्पोर्ट काफ़ी अच्छा है. जो सीट की और जो बेस की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है. अगर छोटे बच्चे बैठने वाले हैं शायद उनके पैर भी ना पहुंच पाएंगे नीचे तक बेस के ऊपर. सीट को काफ़ी ऊंचा रखा गया है फ्रंट सीट के मुकाबले, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर. बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा ऑफर करती है ये गाड़ी. और इसकी ट्रिम्स के ऊपर भी आपको लेदर सॉफ्ट टच मटेरियल मिलने वाला है जो काफ़ी प्रीमियम फील देता है. एक मोबाइल का एक होल्डर दिया गया है डोर ट्रिम के अंदर, बॉटल होल्डर दिए गए हैं नीचे, 2 बॉटल्स रख सकते हैं आप आराम से. और ये 6-सीटर वर्जन है, इसमें कैप्टन सीट्स आती है मिडिल रो के अंदर. 7-सीटर वर्जन भी आपको मिलेगा हर वेरिएंट के अंदर, चाहे आप ऑटोमेटिक खरीदें, चाहे आप मैनुअल खरीदें, चाहे आप बेस वेरिएंट खरीदें या अप टॉप वेरिएंट खरीदें. 7-सीटर को स्टैंडर्ड रखा गया, बट 6-सीटर आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर, जो XZ प्लस और XZ प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलने वाला है. लेगरूम काफ़ी अच्छा ऑफर करती है गाड़ी, हेडरूम काफ़ी अच्छा है, शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा है. आर्मरेस्ट दी गई हैं दोनों सीट्स में इंडिविजुअल और पोजीशन काफ़ी अच्छी ऑफर करती है, मतलब ड्राइवर के ऊपर से भी आप आगे देख सकते हैं इतनी ऊंची रखी गई है मिडिल रो की जो सीट है वो. थर्ड रो में कैसा स्पेस मिलता है, तो पहले थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा लेगरूम के लिए. मेरी हाइट लगभग 6 फीट 1 इंच के आसपास है, उसकी हाइट के हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया है, उसी हाइट के अकॉर्डिंगली मैंने मिडिल जो रो की सीट है उसको एडजस्ट किया है. पीछे कैसे स्पेस ऑफर करती है, अगर मैं इसको मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, आराम से चले तो गए. थर्ड रो को आप रिक्लाइन नहीं कर पाएंगे, बट हेडरेस्ट दिया गया है. लेगरूम थोड़ा सा कम मिलने वाला है आपको इसके अंदर, हल्का सा मैंने इसके रिक्लाइन ज़्यादा किया होता है, इसको थोड़ा सा आगे किया है. उसके बाद कमाल की बात है इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ सकता हूँ अगर मुझे बैठना हो तो, मैं ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा स्पेस कम है लेग का, बट हाँ आराम से बैठ सकता हूँ. हेडरूम ठीक ठाक ऑफर कर देती है. और पीछे आपको थर्ड रो के अंदर भी आपको हेडरेस्ट मिलने वाला है काफ़ी अच्छा, और थर्ड रो के अंदर भी क्वार्टर ग्लास मिलने वाला है. AC अलग से लगाया गया है थर्ड रो के लिए, कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पर, आप बंद कर सकते हैं. 2 USB चार्जर मिलने वाले हैं आपको, ऊपर आपको लाइट मिलने वाली है. और कभी थर्ड रो के अंदर आपको बैठना भी पड़े, एडजस्ट होना भी पड़े, तो 6 फीट हाइट होने के बावजूद भी आप बैठ सकते हैं. लेगरूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है पीछे, बट ठीक है इतना बुरा भी नहीं है. एटलीस्ट 6-सीटर वर्जन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली. आप थोड़ा सा जो बीच में जो स्पेस दिया गया है बीच की जो रोज है उनके अंदर आप पैर निकाल सकते हैं अपना. 7-सीटर में शायद थोड़ी दिक्कत होने वाली है ज़्यादा, बट ओवरऑल सीटिंग काफ़ी अच्छी ऑफर करती है तीनों रोज के अंदर. सिंगल टच टम्बल डाउन वगैरह ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा इसमें. दो लोगों की जरूरत जरूर पड़ने वाली है, अगर आपने बैठ भी गए हैं तो कोई एक इसको आगे सीट को वापस से सेट करे. निकलने और बैठने में थोड़ी सी दिक्कत है. थर्ड रो में बच्चे शायद आराम से जा पाएंगे, बड़ों के लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है. हालांकि 6-सीटर वर्जन में थोड़ा स्पेस है कि आप
मिडल सीट के बीच में जो स्पेस दिया गया है उसके बीच से निकल जाएं और बैठ जाएं आराम से। बात करते हैं चलाने में कैसी है ये गाड़ी, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसे है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स के बारे में। दोस्तों 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स वर्जन है ये, ऑटोमेटिक वेरिएंट की वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं मैनुअल वेरिएंट कैसा है चलाने में। सबसे पहले आपको डीएक्टिवेट करना होगा पार्किंग ब्रेक्स को, ऑटो पार्किंग दिए गए हैं ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। और आपको ये जो वाइब्रेशन है एकदम से पिक करती है गाड़ी, तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर तक वाइब्रेशन आपको सुनाई देते हैं। क्लच थोड़ा टाइट है इस गाड़ी का और इंजन की नॉइस केबिन के अंदर आपको सुनाई देने वाली है। तो इसके अंदर लगाया गया है फिएट सोर्स 2 लीटर का डीजल इंजन, वही डीजल इंजन है जो आपको एमजी की हेक्टर, जीप की कंपास, टाटा की हैरियर के अंदर मिलता है और सेम ही आपको सफारी के अंदर भी मिलने वाला है। 170 bhp की पावर, 350 nm का टॉर्क डिलीवर करता है ये इंजन। पावर की कहीं आपको कोई कमी नहीं लगने वाली, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चलाकर। और हमने इसको तीनों मोड्स में टेस्ट किया है, इसको इको, स्पोर्ट्स और जो नॉर्मल मोड है, उन तीनों मोड्स में 0-60, 0-80, 0-100, 120 में आप वो वीडियोस देख लीजिए। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। मज़ेदार गाड़ी है दोस्तों ये चलाने में, ये इंजन काफ़ी पावरफुल है। ए और बी पिलर के अंदर से काफ़ी तेज़ नॉइस आती है अगर आप क्रॉस विंड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे ऑफर करती है टाटा की न्यू सफारी। तो अगर आप ओल्ड सफारी के कंपैरिजन में इस गाड़ी की बात करेंगे तो ये काफ़ी आगे है, हालांकि दिखने में बिल्कुल ओल्ड सफारी जैसी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। स्टीयरिंग की जो मोटाई है वो भी अच्छी रखी गई है, आप प्रॉपरली होल्ड कर पाते हैं और लेदर रैपिंग की गई जो काफ़ी कंफर्ट भी ऑफर करती है। कंट्रोल्ड रहती है गाड़ी और काफ़ी अच्छा वेट भी डाला गया है, जो रिक्वायर्ड है वेट उतना ही वेट आपको मिलने वाला है इसकी स्टीयरिंग व्हील के अंदर। और स्टीयरिंग फीडबैक के साथ साथ इसके सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी राइड ऑफर करते हैं, हाई स्पीड के ऊपर काफ़ी स्टेबल होकर गाड़ी चलती है। ख़राब रास्ते के ऊपर से आप गाड़ी को लेकर जाने वाले निकालने वाले हैं तो काफ़ी अच्छी राइड ऑफर करती है। और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी ये गाड़ी भी कमाल का ऑफर करती है। लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बनी है ये गाड़ी और उसकी मदद से शायद ये इतना अच्छा कंट्रोल ऑफर करती है। मोनोकॉक चेसिस के साथ में आई है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट हो जाता है। तो
कुल मिलाकर गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स काफी अच्छी है कि हाई स्पीड के ऊपर गाड़ी बिल्कुल स्टेबल होकर चलती है और खराब रास्तों के ऊपर अंदर आपको जर्क्स फील नहीं होने वाले। तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग काफी अच्छी की गई है, उसके साथ साथ ब्रेक्स हैं वो भी काफी इंप्रूव कर दिए गए। हैरियर में एक शिकायत थी कि ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं थे, बट इसके अंदर आपको मिले हैं ऑल फोर टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स और उसकी मदद से आपको ब्रेकिंग काफी अच्छी मिलने वाली है। ब्रेकिंग 142.0 टाइमिंग्स क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी की। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी ऑफर कर देती है टाटा की न्यू सफारी, बट इसमें आपको थोड़ा सा बॉडी रोल भी मिलने वाला है। आप अगर कॉर्निंग कर रहे हैं गाड़ी के अंदर तो आपको फील होने वाला है, इवन इफ ड्राइवर सीट मिडल रो में थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा, थर्ड रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा फील होने वाला है। ओवरऑल मुझे ड्राइविंग डायनेमिक्स में गाड़ी में चलाकर काफ़ी मज़ा आ रहा है, सुबह से इस गाड़ी को चलाया है मैंने। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी, सस्पेंशन काफ़ी अच्छी अच्छी ड्यूटी करते हैं और ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे लगाए गए इस गाड़ी के अंदर। काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरनेस ऑफर करती है ये गाड़ी और हल्के फुल्की ऑफ रोडिंग तो आप आराम से कर ही सकते हैं टू व्हील ड्राइव के साथ में। ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन मोड्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल मुझे गाड़ी कैसी लगी। सुबह से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चलाया हमने न्यू टाटा सफारी को। टाटा सफारी का जो नाम है उस लिहाज से अगर देखें तो शायद आपको ये गाड़ी पसंद ना आए, क्योंकि जो आपने टाटा सफारी देखी है वो इससे काफ़ी अलग नज़र आती है, काफ़ी बड़ी नज़र आती है, काफ़ी ऊंची है उसकी हाइट। इन दोनों गाड़ियों में दो तीन सिमिलरिटीज आपको मिलने वाली पुरानी सफारी और न्यू सफारी में। पहला है टाटा को लोगो, दूसरा है नाम सफारी, तीसरा एसयूवी है दोनों की दोनों। उसके अलावा कोई सिमिलरिटीज आपको नहीं नज़र आने वाली। ये एक एडवांस गाड़ी है काफ़ी, आपको कनेक्टेड कार्स की टेक्नोलॉजी मिलने वाली इसके अंदर। पैनोरमिक सनरूफ लगाई गई है, 2 लीटर का डीजल इंजन लगाया गया जो 170 bhp की पावर 350 nm का टॉर्क डिलीवर करती है। काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलने वाला है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलने वाला है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलने वाली हैं, LED DRLs आपको मिलने वाली इस गाड़ी के अंदर। लुक्स काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रखा गया है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट डिजाइन आपको हैरियर से मिलता जुलता जरूर मिलेगा, बट साइड डिजाइन इस गाड़ी का काफ़ी अट्रैक्टिव मिलने वाला है। ओवरऑल दोस्तों इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ स्पेस काफ़ी अच्छा ऑफर कर देती है गाड़ी और काफ़ी पावरफुल भी फील होने वाली है जब आप बैठेंगे इस गाड़ी की ड्राइवर सीट के ऊपर। एक जो कमी है कि इसको 4x4 वेरिएंट के अंदर अभी लॉन्च नहीं किया जा रहा, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में आ रही है ये गाड़ी, बट इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलने वाला है। और अब इस गाड़ी के आने के बाद मुझे लगता है कि टाटा हैरियर की सेल्स पे भी थोड़ा सा इंपैक्ट आने वाला है। जो कस्टमर हैरियर खरीदने की सोच रहे थे वो सफारी के लिए जाने वाले हैं, जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपका बजट है एक 15 से 20 लाख रुपए की SUV खरीदने का तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, सफारी के लिए जा सकते हैं। इस सेगमेंट में लगभग 30,000 कार्स महीने में बेची जाती हैं भारत के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा शेयर है वो है क्रेटा का, सेल्टोस का, उसके अलावा XUV500, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ बिकती हैं, MG की हेक्टर बिकती है। उनके कंपैरिजन में इस गाड़ी के पास में काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो दोस्तों अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप टाटा सफारी को कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ बूट स्पेस आपको नहीं मिलने वाला इस गाड़ी के अंदर, बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में आपसे विदा लेता है। धन्यवाद दोस्तों।